हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो में। और बच्चों, इससे पहले जो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी के वीडियो पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, सब ग्रुप के बारे में बेटा पढ़ा था। और बेटा, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले इन वीडियोस को बच्चों देख लीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तभी हमें ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप इनसे बहुत गहरा लिंक है, इनसे बहुत ज़बरदस्त उसका कनेक्शन है। तो बच्चों, मैं तो कहता हूँ कि आप ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। अब ग्रुप थ्योरी मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको एक एक बात ग्रुप थ्योरी की बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग अगला वीडियो पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं बच्चों। और देखो, ये थ्योरम क्या कहता है इसको सबसे पहले हम लोग देखें। देखो बच्चों, ये थ्योरम कहता है कि अगर मान लो हमने कोई साइक्लिक ग्रुप लिया और उस साइक्लिक ग्रुप का अगर हम कोई सब ग्रुप लेंगे तो वो सब ग्रुप भी एक साइक्लिक ही होगा। देखो बच्चों, क्या कहता है ये थ्योरम। देखो ये थ्योरम बच्चों कहता है कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, इज आल्सो ए साइक्लिक ग्रुप, है ना। मतलब अगर हम कोई साइक्लिक ग्रुप लेंगे तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी अपने आप में एक साइक्लिक ग्रुप ही होगा। देखो, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, हमको मालूम है ना कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, वो किसी एक एलिमेंट से उसके सारे के सारे एलिमेंट जनरेट होते हैं। तो जैसे मान लिया, मैंने मान लिया कि जी कॉमा ओ एक साइक्लिक ग्रुप है ना। मैंने ये मान लिया कि मान लो जी कॉमा ओ एक साइक्लिक ग्रुप है, और मैंने ये मान लिया कि लेट ए बी जनरेटर, ए इसका जनरेटर है, ऐसा मैंने मान लिया। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए की हेल्प से आएंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं ये बात कि जी के जो एलिमेंट्स होंगे बेटा वो ए की हेल्प से आएंगे। जी के सारे एलिमेंट्स ए से जनरेट होंगे, यही साइक्लिक ग्रुप में बेटा मैंने आपको समझाया था। अगर आपने साइक्लिक ग्रुप नहीं समझा है तो प्लीज पुराने वीडियोस देखिए, इसमें साइक्लिक ग्रुप बेटा मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए बेटा उनको, क्योंकि ये सब चीजें बेटा पढ़ना बहुत 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 जरूरी है ना। तो क्योंकि साइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप ग्रुप थ्योरी में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और पुराने सारे वीडियोस आप पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट है इसकी पूरी अलग से, मॉडर्न एलजेब्रा ग्रुप थ्योरी की बेटा पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के वीडियोस आप पढ़ लीजिए, है ना। अभी कुछ ही दिन पहले का 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था। देखो तो बच्चों, ये मान लिया मैंने कि हमारा एक साइक्लिक ग्रुप जी है ना, और मान लिया मैंने एच इसका कोई सब ग्रुप है, लेट एच बी एनी सब ग्रुप। मैंने मान लिया कि इसका जो सब ग्रुप है वो एच है। अच्छा, एच जो एलिमेंट लेगा वो जी से ही लेगा। सब ग्रुप का मतलब एच क्या है, जी का सबसेट है। सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि भाई उसका सबसेट है और एक ग्रुप भी है। अच्छा, तो मैंने मान लिया कि मान लो एच के जो एलिमेंट्स हैं वो यहां से शुरू होते हैं, कुछ इस टाइप के। मैंने मान लिया कि मान लो एच के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, मतलब एच के एलिमेंट्स में ए की पावर एम उसका जनरेटर है, ऐसा मैंने मान लिया, है ना। तो मैंने मान लिया कि ए की पावर एम जो है वो जनरेटर है, किसका जनरेटर है, एच का, लेट, ऐसा मैंने मान लिया। मतलब एच के सारे एलिमेंट्स हम ए की पावर एम की हेल्प से निकाल पाएंगे। तो देखो, हमें ये प्रूव करना है अब कि अगर हम कोई एलिमेंट लें, जैसे कि मैंने मान लिया, मैंने कहा भाई देखो, साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप उसका जनरेटर शो करिए, मतलब किससे आप उसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, जनरेटर क्या होता है ये सब बेटा फिर मैंने बता दूं, डिटेल से पढ़ाया हुआ है, एक बार आप पढ़िए पुराने वीडियोस। और मेरे जो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस बेटा सीक्वेंस वाइज हैं, सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज हैं, उसको जा करके अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे उसमें चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ना लिखा हो, लेकिन सारे के सारे वीडियोस बेटा वो सीक्वेंस वाइज है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो मैंने कहा मान लो एक ही पावर लैम्डा जो है ये एच का कोई एलिमेंट है, मैंने कहा मान लो। तो अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई एक ही पावर लैम्डा इसका एलिमेंट है, तो हम ये शो करेंगे कि भाई ये एक ही पावर लैम्डा एक ही पावर एम से आएगा, क्योंकि हमें ये दिखाना भी है कि एक ही पावर एम उसका जनरेटर है ना। मतलब एच अगर हमने ये माना तो हमें ये शो करना है कि भाई एक ही पावर लैम्डा एक ही पावर एम की हेल्प से आएगा, और एक ही पावर लैम्डा क्या है, एक ही पावर एच का एलिमेंट है, क्योंकि एक ही एच का हर एक एलिमेंट उसके जनरेटर की हेल्प से आएगा, ये हमें शो करना है। तो हमें शो करना क्या है, हमें शो करना है वी हैव टू प्रूव दैट कि एक ही पावर लैम्डा जो है वो एक ही पावर एम की हेल्प से कुछ आएगा। कुछ इस प्रकार का रिजल्ट हमको शो करना है कि एक ही पावर लैम्डा जो हमने माना है एच का एलिमेंट है वो इसकी हेल्प से आना चाहिए, तो ये एक ही पावर एम की हेल्प से वो आना चाहिए। अब देखो ये सारे एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं। ये जो एच में सारे एलिमेंट लिए हैं ये सारे एलिमेंट जी के ही हैं, क्योंकि एच क्या है, जी का सबसेट है और अपने आप में ग्रुप भी है। तो अगर एच ग्रुप भी है तो एच ग्रुप की प्रॉपर्टी ही फॉलो करेगा। अच्छा अब देखो, तो अब हमारा ये काम है कि हमें एक ही पावर लैम्डा को शो करना है कि वो एक ही पावर एम की हेल्प से आएगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ही पावर लैम्डा एच का एलिमेंट है। तो देखो इसका मतलब जो लैम्डा होगा वो एम से तो बड़ा होगा, क्योंकि एच के एलिमेंट्स एक ही पावर एम से ही हमने स्टार्टिंग की है, तो इसका मतलब लैम्डा एच से बड़ा होगा, ये कन्फर्म है ना। लैम्डा जो है वो एच से बड़ा होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि इसका एलिमेंट है वो। अच्छा अब देखो, चूंकि लैम्डा एच से बड़ा होगा तो मैंने कहा मान लो अगर हम लैम्डा को एम से डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन क्यू है और रिमाइंडर आर है, ऐसा मैंने मान लिया। इसका मतलब हम लैम्डा को लिख सकते हैं एम क्यू प्लस आर, क्योंकि अगर लैम्डा एम से बड़ा है तो एम से हमने लैम्डा को डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्यू है और रिमाइंडर आर है, तो हम एम को लैम्डा को एम के टर्म में लिख सकते हैं। और ध्यान रखना जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जीरो और एम के बीच होगा, क्योंकि एम से आप डिवाइड कर रहे हैं। जब आप m से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो जिससे डिवाइड करो उससे छोटा ही होगा, है ना। बात समझे ना भाई, जैसे आप एक नंबर है 3, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 टू जा कितना हो गया 8, तो बचा 3, तो इसका मतलब 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन ये रिमाइंडर है, तो 11 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोलो, 4 × 2 + 3, ऐसे लिख सकते हैं 11 को 4 × 2 + 3। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। वो चीज आ गई देखो यहाँ पर। अच्छा अब देखो जरा बच्चों, यहाँ पर इस बात को जरा समझो कि हमने इसे मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए है इसको प्रूव करने के लिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बच्चों ध्यान रखना ही, इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं उनके में प्रूफ एग्जाम में आ सकता ही है, और वैसे भी थ्योरम का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा। देखो अच्छा, अब जैसे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है लैम्डा बराबर एम क्यू प्लस आर है, तो इसका मतलब जो ये एम क्यू है ये एम से तो बड़ा होगा, बोलो, और ये लैम्डा से छोटा होगा। बात समझो, क्योंकि लैम्डा को आपने एम क्यू प्लस आर लिखा है समथिंग, तो आर क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। रिमाइंडर क्या, जीरो से बड़ा है, एम से छोटा है, तो इसका मतलब जो एम क्यू है ये एम से बड़ा होगा, क्योंकि ये एम का कुछ मल्टीपल है, और लैम्डा से छोटा होगा क्योंकि एम क्यू में आर जोड़ने से आपको लैम्डा मिलना है। तो अब देखो, चूंकि एक ही पावर एम भी एच में है और एक ही पावर लैम्डा भी एच में है, ऐसा हमने माना है, और एम क्यू इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब एक ही पावर एम क्यू भी एच में होगा, क्योंकि एक ही पावर एम भी एच में है और एक ही पावर लैम्डा भी एच में है, और एक ही पावर एम क्यू जो है वो लैम्डा एम के बीच में है, इसका मतलब एक ही पावर एम क्यू भी एच में होगा, बोलो, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है भाई। उसके पास सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया एच के पास एक ही पावर एम से स्टार्ट करके सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा अब देखो, एक ही पावर एम उसका चूंकि सबसे पहला एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब उसके पास जो सारे एलिमेंट्स मैंने माने हैं एच के पास, वो कुछ इस तरीके से हैं, एक ही पावर एम, एक ही पावर एम प्लस वन, ऐसे करके कुछ, या एक ही पावर टू एम, एक ही पावर थ्री एम, ऐसे करके उसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं सारे, है ना।
तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स एच में होगा, ये कन्फर्म है ना। इस प्रकार के सारे एलिमेंट मैंने माने, ए की पावर एम, ए की पावर एम प्लस वन, ए की पावर एम प्लस टू, ए की पावर टू एम, ए की पावर थ्री, ऐसे मैंने सारे एलिमेंट मान लिए उसके। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर चूंकि ए की पावर एम क्यू एच में है ऐसा मैंने मान लिया है, तो इसका मतलब ए की पावर माइनस एम क्यू भी एच में होगा, क्योंकि ए की पावर माइनस एम क्यू इसका इनवर्स है। भाई आप समझिए, ए की पावर एम क्यू जो है ना, ए की पावर माइनस एम क्यू, ये हो गया ए की पावर एम क्यू का इनवर्स, क्योंकि एच एक ग्रुप है, तो एच एक ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा। तो अगर ये है तो इसका भी इनवर्स होगा, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप का मतलब वो ग्रुप तो है ही। अच्छा अब समझिए, क्योंकि ए की पावर लैम्डा भी एच में है, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि ए की पावर लैम्डा भी एच में है, चूंकि अभी हमने देखा, और ए की पावर माइनस एम क्यू भी एच में है। तो अगर दो एलिमेंट्स एच में हैं तो उनको ऑपरेट करने से जो एलिमेंट आएगा वो भी एच में होगा, क्योंकि एच एक ग्रुप है भाई। अगर ए और बी दो एलिमेंट ग्रुप में हैं तो उनका कंपोजिशन भी ग्रुप में होगा। तो इसका मतलब ए की पावर लैम्डा और ए की पावर माइनस एम क्यू ये एच में होगा, क्योंकि अगर ए एच में है बी एच में तो उनका कंपोजिशन भी एच में होगा, क्योंकि एच एक ग्रुप है। क्यों ग्रुप है? क्योंकि एच एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप का मतलब ग्रुप तो होना ही चाहिए। अच्छा, ए की पावर लैम्डा माइनस एम क्यू भी एच में होगा, क्योंकि देखो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब यही होता है कि पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं, ये मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा अब देखो, चूंकि लैम्डा माइनस एम क्यू हुआ क्या, चूंकि लैम्डा माइनस एम क्यू देखो क्या हुआ, बात समझे, देखो लैम्डा माइनस एम क्यू हो गया आर के बराबर, तो इसका मतलब ए की पावर आर एच में होगा। अच्छा आर क्या है? आर जो था वो एम से छोटा था, तो इसकी स्टार्टिंग ए की पावर एम से हुई है और आर एम से छोटा है, तो इसका मतलब ए की पावर आर एच में नहीं हो सकता। लेकिन यहां से हमने प्रूव कर दिया है कि पावर आर एच में हो सकता है। सोचो एच की स्टार्टिंग ही ए की पावर एम से हुई है, एच का सबसे छोटा एलिमेंट ही ए की पावर एम है, और हमने कहा है कि आर एम से छोटा है, इसका मतलब ए की पावर आर एच में नहीं हो सकता। जबकि हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि ए की पावर आर एच में होगा, इसका मतलब क्या है कि आर जो है ना, मैंने क्या बताया था, आर जीरो से एम तक होगा, इसका मतलब आर को जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए की पावर आर एच में नहीं हो सकता, क्योंकि आर क्या है, एम से छोटा है। तो आर को जीरो होना चाहिए, अगर आर जीरो हो गया तो लैम्डा क्या बन जाएगा, एम क्यू बन जाएगा, क्योंकि अगर आर जीरो हो गया तो लैम्डा एम क्यू बन जाएगा। अब देखो जो ए की पावर आर है वो ए की पावर एम क्यू यानी ए की पावर एम की पावर क्यू बन जाएगा, और ये एलिमेंट एच में हो सकता है। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब आर जीरो हो जाए, अगर आर जीरो नहीं हुआ तो ए की पावर आर एच में नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आर जीरो हो जाए तो लैम्डा एम क्यू हो जाएगा, और लैम्डा अगर एम क्यू हो जाएगा तो ए की पावर आर को हम आप ए की पावर एम की पावर क्यू में लिख सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था कि ए की पावर आर जो है वो ऐसे लिख पाए, ऐसे लिख पाए का मतलब क्या हुआ कि ए की पावर एम क्या हो गया, ए की पावर एम हो गया इसका जनरेटर। किसका जनरेटर? एच का जनरेटर। इसका मतलब जो ए की पावर एम है वो हमारा एच का, एच क्या है, एक सब ग्रुप है, और उसका ये जनरेटर हो गया। यही हमको प्रूव करना था। तो इसका मतलब कोई भी जनरल एलिमेंट लेंगे उसे हम ए की पावर एम में लिख लेंगे। अगर हम एच में कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो एच में है उसको ए की पावर एम में लिख पाएंगे। यही प्रूव हो गया कि भाई एच क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। बस समझे, एच को हम सब ग्रुप मान के चले और प्रूव कर दिया कि एच भी एक साइक्लिक होगा। तो यहाँ से बच्चों हमने इस थ्योरम को प्रूव किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। तो ये हम लोग साइक्लिक ग्रुप के अलग अलग रिजल्ट बेटा पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, और काफ़ी हमने पढ़ लिए हैं पहले भी, अब ये एक दो बचे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन ये साइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।